अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वन क्लास अपना यूनिट नंबर टू, प्लेइंग विद नंबर्स। 0 to 20 तक नंबर्स हमारे इस यूनिट में आएंगे। सिंग एंड एंजॉय दिस नंबर्स राइम्स। इन नंबर्स को हमने राइम पोएम की तरह इनको रीड करना है। वन बिग येलो सन, वन 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 वन, ये देखें। टू बॉयज हैविंग फन, इस पिक्चर में टू बॉयज जो है वो हैविंग फन कर रहे हैं। टू टू टू, इसको राइमिंग स्टाइल में आपने रीड करना है। थ्री एंड्स इन अ लाइन, थ्री 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 थ्री, इस साइड पे हम इनको नंबर्स में राइट करेंगे और दूसरी साइड पे वर्ड्स के आगे वर्ड्स काउंटिंग में इस तरह से राइट करना है आपने। नेक्स्ट पेज पे देखें, वन क्लास सिस्टम यूनिट नंबर टू का पेज है। राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर, 7 5 6 9 8, इनको उन्होंने आगे पीछे करके हमें दिया हुआ है, तो हमने इनको ऑर्डर में रेंज करना है काउंटिंग रीड करते हुए। 5 6, फिर उसके बाद 7 8 9, इसी तरह आपने ये एक्टिविटी को ऑर्डर में चेंज करना है। मैच द पिक्चर विद द नंबर नेम, नंबर नेम मतलब वर्ड्स काउंटिंग में हमें दिए हुए हैं उन्होंने, हमने काउंट करना है। 1 1 के साथ मैच कर दिया, 4 एप्पल्स हैं, 4 के साथ मैच कर दिया, इस तरह से आपने काउंट करके इनको नंबर नेम के साथ मैच करना है। पेज नंबर 11 पे हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबर्स को कंपैरिजन करना कि वो ग्रेटर हैं, स्मॉलर हैं या इक्वल हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू। जैसे इस साइड पे जो है वो बलून्स जो है 1 2 3 4 5 हैं और इस बच्चे के पास है 1 2 3 4, तो हमने क्या करना है, वी राइट 5 ग्रेटर 4। ग्रेटर का साइन जो है वो हमारा राइट हैंड ओपन करने से बनता है, तो आपने ये लगाना है, ठीक है। अब जैसे इस बच्चे के पास जो है वो पेंसिल्स हैं 1 2 और स्टूडेंट के पास है 1 2 3 4, तो इसमें कौन सा साइन आएगा, वी राइट 2, 2 क्या है, स्मॉलर है 4 से, तो हम स्मॉलर का लेस देन का साइन लगाएंगे, ठीक है। उस्मान हैज 3 फ्लावर्स, उस्मान के साथ पास 3 फ्लावर्स हैं। अदिल्ला हैज़ 3 फ्लावर्स, अदिल्ला के पास भी 3 हैं। दे हैव द सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स, दोनों के पास 3 3 फ्लावर्स हैं, तो क्या राइट होगा, वी राइट 3 इक्वल 3, उसमें इक्वल का साइन आएगा कि दोनों के पास बराबर है। ये किस चीज़ का है, मीन्स ग्रेटर देन, राइट हैंड की तरफ से ओपन होगा, जो लेफ्ट हैंड ओपन करने से होगा मीन्स लेस देन, और जो टू लाइन्स होंगी ऊपर नीचे मीन्स इक्वल टू, वो इक्वल का साइन होता है, ओके। अब नेक्स्ट पेज पे देखें, वन क्लास समान है ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल देन के साइन से हमने इस ग्रुप को फिल करना है। जिराफ देखिए इस साइड पे कितने हैं, 4 काउंट करें, और इस साइड पे कितने हैं, 1 2 जिराफ हैं, तो 4 क्या होगा, ग्रेटर 2। इसी तरह ही देखें एलिफेंट, 1 2 3 4 5, इस साइड पे 1 2 3 4 5, तो वो क्या है, 5 इक्वल 5, ओके। इस साइन को आपने लगाते हुए ग्रेटर, लेस और इक्वल के आपने इस एक्टिविटी को फिल करना है। नेक्स्ट पेज पे देखें, वन क्लास नंबर राइम, नंबर राइम में हमने उनको जिस पॉइंट की तरह सिंग करते हैं वैसे उनको सिंग दिस नंबर्स राइम, 10 11 12 13 14, इस तरह आपने इनको रीड करना है, ठीक है। वो आपको ये देखें एनिमल्स भी आपको दिखा रहे हैं, 1 0 10 1 1 11 1 2 12, तो आपने इनको राइम में रीड करना है। नेक्स्ट पेज पे भी आपकी ये काउंटिंग आ रही है, 1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 1 9 19 2 0 20, ओके। तो हमारा ये 0 से 20 तक का यूनिट है, हम उसमें वर्ड्स काउंटिंग भी आप अच्छे से 20 तक याद कर लीजिएगा, ओके। अब नेक्स्ट पेज पे देखें, वन क्लास काउंट एंड राइट द नंबर, मैच इट विद द नंबर नेम। इन नंबर्स को हमने काउंट किया, ये 15 थी, दूसरी साइड पे हमने नंबर नेम ढूंढा, नंबर नेम होता है वर्ड्स काउंटिंग में, तो उसको उसके साथ हमने मैच कर दिया। इसी तरह आपने सारे काउंट करने हैं, छोटे बॉक्सेस में इनका नंबर लिखना है और दूसरी साइड से नंबर नेम के साथ उनको मैच करना है। नेक्स्ट पेज पे देखें, वन क्लास हमारे पास है रिंग द करेक्ट नंबर एंड राइट इट नंबर नेम। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ग्रेटर दैन 4 1 2 1 4 3 2 5, 4 से ग्रेटर क्या है 5, उसको रिंग लगाएंगे, आगे उसका नंबर नेम लिखेंगे। लेस दैन 3, इन नंबर्स में 3 से लेस क्या है 2, कम मतलब छोटा कौन सा है, तो हम 2 को रिंग लगा के आगे 2 के स्पेलिंग राइट कर देंगे, नंबर नेम लिख देंगे। इस तरह आपने ये सारा पेज अपना फिल करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पता चले। अब उसके बाद देखें नेक्स्ट पेज पे है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन हमें दी हुई है, इस पर हमने कंपैरिजन करना है नंबर्स का। जैसे ये देखें हमें क्वेश्चन दिया है 2 2 लेस 6, 2 जो है वो छोटा है लेस देन 6 6 से, तो हमने पहले इस नंबर लाइन में से 2 को किया,
सर्कल, और फिर दूसरा नंबर जो हमारे पास था उसको 6 को हमने किया। इसी तरह आपने देखना है, फर्स्ट डिजिट जो है उसको आप सर्कल लगाओगे, और उसके बाद जो आपका सेकंड डिजिट है उसको नंबर लाइन में सर्कल लगाओगे। और इस साइड पे आपने 4 क्या है, स्मॉलर 7, 9 ग्रेटर देन 8, 7 9 से क्या है, हम दूसरी साइड से देखेंगे कि वो बड़ा है छोटा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना साइन लगाएंगे, 7 लेस देन 9। ये पेज फिल करने के बाद नेक्स्ट पेज पे देखें, कंपेयरिंग नंबर अप टू 20, स्मॉल ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के साथ हमने अपना ये वाली एक्टिविटी भी फिल करनी है। फॉर स्मॉलर 7, 9 ग्रेटर देन 3, ठीक है, जैसे 0 क्या है 3 से लेस है, तो 0 लेस देन 3। आपने ये पूरा पेज अपना ग्रेटर और लेस देन के साइन से फिल करना है। उसके बाद देखिए वन क्लास पेज है हमारे पास, इसी पेज पर रिंग ऑल द नंबर ग्रेटर देन 8, 8 से जो नंबर हमें दिए हैं हमने देखना है उनमें से कितने 8 से ग्रेटर बड़े हैं, उनको रिंग लगाना है। इस तरह उससे नीचे है रिंग ऑल द नंबर ग्रेटर देन 16, 16 से जो बड़े हैं उनको रिंग लगाना है। रिंग ऑल द नंबर्स लेस देन 15, 15 से जितने नंबर चाहे वो 2 हो 3 हो जितने भी होंगे, छोटे अगर ग्रेटर पूछा है तो बड़ा उसको हम रिंग लगा देंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारा कॉन्सेप्ट है बिफोर आफ्टर बिटवीन। बिफोर मतलब पहले क्या आता है, 13 से पहले 12, आफ्टर बाद में क्या आएगा, 12 के आफ्टर 13, और बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में क्या आएगा, 17 और 19 के बिटवीन 18। इस तरीके से अपने अपना आफ्टर बिफोर और बिटवीन का कॉन्सेप्ट को फिल करना है। नेक्स्ट पेज पे देखें वन क्लास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, कि स्मॉल से बड़े की तरफ जाना है, और डिसेंडिंग मीन्स बिगर टू स्मॉलर, बिग से स्मॉल की तरफ जाना है। जैसे ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं इनको असेंडिंग में हमने चेंज करना है, 8, 9, 11, 15, 12। असेंडिंग में मतलब हम कैसे जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ, 8, 9, 11, 12, 15। आपने इस तरह से अपने ये असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने हैं। उससे नीचे है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने करना है 12, 11, 10, 17, 19, 19। डिसेंडिंग मीन ग्रेटर टू स्मॉलर, तो हम ग्रेट से स्मॉल की तरफ जाएंगे, 19, 17, 12, 11, 10। तो आपने असेंडिंग डिसेंडिंग का ये पेज अच्छे से फिल करना है और समझना है, इसको ज़्यादा सारी इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए 21 पेज है एडिशन। एडिशन का प्लस हम जैसे आप पढ़ते आए हो इसका दूसरा नाम होता है एडिशन। जैसे 4 एप्पल्स हैं और इस साइड पे 3 एप्पल्स हैं, तो इनको हमने लाइंस 4 लाइंस लगाई है, जैसे एप्पल है तो आप इन सबको टोटल करोगे, इकट्ठा काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे, 7 एप्पल्स। तो आपने एडिशन का अपना इस तरीके से काउंट करके इनको नंबर्स को राइट करना है। ये हमारे नेक्स्ट पेजेस जो हैं वो सारे एडिशन के हैं। जैसे ये 6 कैंडीज हैं एडिशन, 3 कैंडीज, उसमें हम 6 में 3 ऐड करेंगे तो वो 9 कैंडीज है टोटल। हमारा पेज नंबर 28 ये भी एडिशन का है, आपने इसको काउंट करके राइट करना है। अब ये देखें कंप्लीट द एडिशन फैक्ट फॉर 10, 10 के फैक्ट्स पे फिल करना है। पहले हम देखना है कितने बॉक्स फिल हैं, 1 है, 1 एडिशन जो एम्प्टी बॉक्स हैं खाली हैं उनका नंबर लिखना है, 9 है, तो 1 प्लस 9 कितने हो गए, 10। इसी तरह 2 फिल है, 2 प्लस ये 8 बॉक्स हैं खाली, 2 प्लस 8 10, तो हमारे सब का आंसर जो है वो 10 के इक्वल होगा। अब उससे नीचे भी हमारे एडिशन का कॉन्सेप्ट है, इस तरह से आपने इनको अपनी कॉपी रख लेनी है, कॉपी पे जैसे 7 लाइंस लगाई, दूसरी साइड पे प्लस 2 लाइंस लगाई, 7 और 2 कितनी होगी, 9। तो आपने लाइंस के मदद से भी आप इनको कर सकते हो। अब नेक्स्ट पेज पे देखें हमारा एडिशन ऑन द नंबर लाइन। एडिशन जो है वो नंबर लाइन के साथ दिया हुआ है, 5 प्लस 7, नंबर लाइन दी हुई है। हमने 0 से पहले किस पे जंप करना है, पहले डिजिट पे 5, फिर कितने डिजिट छोड़ के हमने जंप करना है, 2 पे जंप करना है, तो फिर हमने 2, 5 से 2 डिजिट छोड़े और जंप किया, वो 7 आ गया, तो हमारा 7 आंसर था, 2, 5 प्लस 2 कितने हुए, 7। इस तरह से आपने ये नंबर लाइन वाला पेज अपना फिल करना है। नेक्स्ट पेज पे देखें सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन मीन होता है माइनस, माइनस इज़ द साइन फॉर द सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है कट करने का। 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास जो है वो बटरफ्लाइज हैं, 5 में से कितनी माइनस करनी, 4, 1, 2, 3, 4, तो कितनी बची, 1। आप ये कट करके फिल कर सकते हैं अपना पेज, सब्ट्रैक्ट करना है आपने। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, इसमें भी हमने हमें बटन्स दिए हुए हैं 8, उसमें से कितने हमने करने हैं, 5। इस तरह जब हम क्वेश्चन राइट करते हैं इसको कहते हैं वर्टिकल।
तो हमने 8 में से 5 जो है वो क्रॉस लगाए तो हमारे पास आ गया 3 आंसर। इस तरह से आपने अपना ये पूरा पेज फिल करना है। नेक्स्ट भी हमारा सब्ट्रैक्शन का पेज ही है। अपने मामा पास बैठ जाना है और अपने कॉपी रफ रख के उस पर भी आप 10 लाइन्स लगा के जब 8 उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। इस तरह से आप लाइन्स के अकॉर्डिंग भी ये कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन में नंबर लाइन है 6 माइनस 3। हमने पहले 6 पे जंप किया, उसमें से हम नीचे से कट करते आएंगे 3 डिजिट्स पे तो हमारा 3 आ जाएगा। हमारे इस जो है हम राउंड ले रहे हैं, इस राउंड में 3 डिजिट्स आने चाहिए, जितने डिजिट नीचे वाले दिए होंगे तो हमारा खुद ब खुद सही आंसर आ जाएगा। जैसे हमने 7 पे जंप किया, फिर 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के हम आए, 3 हमारा आंसर आ गया। इस साइड पे आपने इनको इस तरह से क्वेश्चन मेक करके आपने बॉक्स में पहला डिजिट लिखा, फिर माइनस दूसरा डिजिट लिखा और आंसर राइट करना है। नेक्स्ट पेज असेसमेंट पेज है, उसमें जो है उन्होंने कहा है काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड राइट इन द सेकेंड क्लाउड देन राइट द नंबर देन कम्स जस्ट बिफोर इट। पहले हम ऑब्जेक्ट्स को सेकेंड में काउंट करके लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 है, 4 राइट कर दिया। फर्स्ट क्लाउड में हमने उनका बिफोर नंबर राइट करना है, 4 से बिफोर 3 आता है। इस तरीके से आपने अपनी ये एक्टिविटी फिल करनी है। उससे नीचे 2 एक्टिविटी है, राइट टीन नंबर्स इन न्यूमिरल्स। न्यूमिरल्स में हमने उनको राइट करना 19, उसका नंबर 1919, जैसे न्यूमिरल्स में नंबर नेम को न्यूमिरल्स में चेंज करना है। अब उससे नीचे राइट टीन नंबर्स इन वर्ड्स, टीन नंबर्स दिए हुए हैं 15, इसको हमने वर्ड्स में वर्ड काउंटिंग में राइट करना है। नेक्स्ट पेज पे है काउंट एंड राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के साइन के साथ द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड पे जो है वो 9 है, तो 7 क्या हुआ लेस देन 9। इस तरीके से ग्रेटर लेस के साइन के साथ आपने ये काउंट करके अपनी एक्टिविटी फिल करनी है। उससे नीचे काउंट एंड ऐड का कॉन्सेप्ट है आपका, 4 प्लस 2 6। नेक्स्ट पेज पे सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ये सब्ट्रैक्ट करने का है। जैसे आपने 2 लाइंस लगाई, इसमें से कितनी कट की 1, तो आंसर क्या आ गया 1। इस तरह आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। उससे नीचे राइट यस और नो इन द क्लाउड, इन द क्लाउड। जैसे ये 6 प्लस 7, उन्होंने हमें आंसर दिया है कि ये 7 बनते हैं। अगर आप इसको 6 में 3 को ऐड करके देखोगे, हमें आंसर करेक्ट दिया तो आप यस लिखोगे, अगर रॉन्ग आंसर दिया तो हम नो राइट करेंगे। ओके, इस तरह से आपने यस और नो में ये एक्टिविटी फिल करनी है। हमारा यूनिट 2 कंप्लीट है। अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस रफ कॉपी पे भी करनी है और अपनी बुक पे भी हर पेज फिल कर लेना है। ओके।